दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत फिर बेनकाब हुआ पाक, उनगा की आम बहस से पहले भारत के खिलाफ रच रहा है ये साजिश। जी हां, इस खबर के बारे में आपको पूरी तरह से रूबरू करवाया जाएगा। वही दोस्तों, ऑनलाइन क्लास के लिए सभी गरीब बच्चों को इंटरनेट और गैजेट्स उपलब्ध कराए स्कूल, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। साथ ही दोस्तों, भाईकला जेल में रिया चक्रवर्ती का हुआ बुरा हाल, ऐसे कट रही है रातें। जी हां, तो बताएंगे कि जेल में रिया चक्रवर्ती के दिन कैसे बीत रहे हैं, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके सुशांत मामले में मुख्य आरोपी का नाम जरूर बताएं, साथ ही रिया चक्रवर्ती को कौन सी सजा मिलनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। वहीं दोस्तों, भारत चीन की सेना के बीच अब चंद कदमों की दूरी, हवा में फायरिंग कर एक दूसरे को दी चेतावनी। जी हां, इस खबर के बारे में बताएंगे। वहीं आज से शुरू होगा आईपीएल 2020 की जंग, आमने सामने होगी रोहित शर्मा और एमएस धोनी की टीमें। वही दोस्तों, इस जाति के नाम पर बने दस्तावेजों को रद्द किया जाएगा, लाखों लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। और 6 महीनों में बांटे जाएंगे अपॉइंटमेंट लेटर। जी हां, इस खबर के बारे में बताएंगे। वही दोस्तों, प्ले स्टोर ने हटाया पेटीएम को, बताइए वजह। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट में अपने राज्य में जिले का नाम जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए आपसे राज्य से जुड़ी खबरें ला सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, फिर बेनकाब हुआ पाक, उनगा की आम बहस से पहले भारत के खिलाफ रची साजिश। जी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम बहस से पहले पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और साजिश रचने जा रहा है। इमरान खान सरकार ने आज यानी शनिवार से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी और आजाद कश्मीर प्रोपोगेंडा शुरू करने की योजना बनाई है। भारत पाकिस्तान की इस साजिश से वाकिफ है और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ये प्रोपेगेंडा संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस से पहले भारत सरकार को निशाना बनाने की पाकिस्तानी चाल है और पूरी तरह से आधारहीन और काल्पनिक दलालों पर आधारित है। पाक सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इस ऑनलाइन अभियान को अंजाम देंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ऑनलाइन क्लास के लिए सभी गरीब बच्चों को इंटरनेट और गैजेट्स उपलब्ध करवाए स्कूल, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जी दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना काल में गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वित्त पोषण रहित सभी निजी और सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को गैजेट्स और इंटरनेट मुहैया कराने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकारी वित्त पोषण रहित निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को अच्छी स्पीड का इंटरनेट देने को कहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भाईकला जेल में रिया चक्रवर्ती का हुआ बुरा हाल, ऐसे कट रही है रातें। जी दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को ही सब सुशांत की मौत का जिम्मेदार भी मान रहे थे। हाल ही में उन्हें ड्रग्स मामले में एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मुंबई के भाईकला जेल में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार सीना बोरा कांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी इसी जेल में है। उनका सेल भी रिया के बिल्कुल बगल में है। बता दे कि जहां पर रिया को रखा गया है वहां पर पंखा और बेड भी नहीं लगा हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्हें जमीन पर सोने के लिए चटाई दी गई है और अगर कोर्ट आदेश देता है तो उन्हें एक टेबल फैन जरूर लगाया जाएगा। उनके सेल के बाहर 2 गार्ड भी रखे गए हैं जिनकी 3 शिफ्ट चलती है। 22 सितंबर तक इसी तरह रिया को जेल में रहना होगा। वैसे जानकारी के मुताबिक इस बीच रिया ने जमानत याचिका भी दायर की है, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार जेल मैनुअल का कहना है कि वो सुबह करीब 6 बजे रोल कॉल पर उठे और करीब 7 बजे से 7:30 बजे के बीच नाश्ता दिया गया, जिसमें उन्हें पोहा और चाय दिया गया, जिसके बाद वो सेल में चली गई। बता दें कि रिया को जेल में बहुत ही सामान्य खाना दिया जा रहा है। रिया ने दोपहर का भी लंच किया और उसमें उन्हें चावल, दाल, रोटी और आलू की सब्जी दी गई। वही रात को उन्होंने जेल में मेस का खाना खाया, जिसके बाद वो सोने चली गई। जेल प्रशासन की ओर से रिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग सेल में रखने का फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत चीन की सेना के बीच अब चंद कदमों की दूरी, हवा में फायरिंग कर एक दूसरे को दी चेतावनी। जी दोस्तों, भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों की विवादित सीमा पर तनाव कम करने के लिए सहमत होने के बाद भी दोनों देशों की सेना पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के पास 4 स्थानों पर राइफल रेंज में है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
चिंता की बात यह है कि कम से कम एक जगह पर दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है। उत्तरी तट पर सेनाएं फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच एक दूसरे का सामना कर रही है, जहां दोनों सेनाओं ने हवाओं में चेतावनी के तौर पर फायरिंग भी की है। वहीं झील के दक्षिणी किनारे पर सेना स्पंगगुर गेप और मुकपारी और रेयांग ला में कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज से शुरू होगी आईपीएल 2020 की जंग, आमने सामने होगी रोहित शर्मा और एमएस धोनी की टीमें। जी हां, तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार को उद्घाटन मुकाबले में विस्फोटक भिड़ंत के साथ विदेशी जमीन पर आईपीएल 13 की जंग शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के कारण आईपीएल का आयोजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात यूएई के तीनों शहरों दुबई, शारजाह और अबू धाबी में हो रहा है। आईपीएल के इतिहास में तीसरा मौका है जब T20 टूर्नामेंट का आयोजन विदेशी जमीन पर हो रहा है। टूर्नामेंट का फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। गोंड जाति के नाम पर अनुसूचित जाति के नाम पर बने प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे, लाखों लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार। जी दोस्तों, बलिया जिले में गोंड जाति के नाम पर बने सभी जाति प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाएगा। इस आशय का निर्देश शासन से मिलने के बाद जिलाधिकारियों ने सभी उप जिलाधिकारियों को उनके यहाँ बने ऐसे प्रमाण पत्रों की जांच करने का निर्देश दिया है। जन शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया है। इसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित कहार, कुमार और भुर्जी जाति के कई लोगों ने अपने को गोंड व खरवार बताकर अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करवा लिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या 52 लाख के पार, रिकवरी रेट 78.86%। जी दोस्तों, भारत में ताजा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 96,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक 41,12,500 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस प्रकार देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर 78.86% है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर में और गिरावट आई है और ये 1.62% पर आ गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में 10,17,000 से ज्यादा कोविड-19 से संक्रमित मरीज अब भी उपचाराधीन है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया, बताई ये वजह। जी दोस्तों, गूगल ने शुक्रवार को प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को हटा दिया है। इस पर गूगल ने कहा कि वह किसी भी गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने वाले ऐप का समर्थन नहीं करता है। जुए से जुड़ी उनकी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण पेटीएम पर यह कार्रवाई की गई है। पेटीएम और UPI 197 कम्युनिकेशन LTD द्वारा डेवलप किया गया है। इस ऐप का गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करने पर अब यह नहीं दिख रहा है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप पर जल्दी आने वाला है ऑथेंटिकेशन फीचर, जाने कैसे करेगा काम। जी दोस्तों, व्हाट्सएप के एक नए फीचर बायोमेट्रिक स्कैनिंग सपोर्ट का काम करने की बात सामने आ रही है, जिससे वेब पर इसका उपयोग और भी अधिक सुरक्षा के साथ किया जा सकेगा। वेबसाइट व्हाट्सएप बीटा इंफो के मुताबिक कंपनी ने अलग से एक टीम बना रखी है जो इसे और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करती है। इस रिपोर्ट में गुरुवार को कहा गया, इसके लिए यूजर को सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप को ओपन करना होगा और अपने कंप्यूटर पर इसे खोलने के लिए फिंगरप्रिंट और स्कैन करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। व्हाट्सएप वेब पर लॉन्चिंग करने की यह प्रक्रिया पहले से अधिक और सुरक्षित होने वाली है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19, रूस ने कोरोना वीर दवा को दी मंजूरी, अगले हफ्ते से बाजार में हो सकती है उपलब्ध। चंद्र तो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत समेत दुनिया भर के कई देश कोविड-19 वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए आर फार्म की एंटीवायरल दवा कोरोना वीर को मंजूरी दे दी है। कोरोना वीर को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के तौर पर मंजूरी मिली है, यानी इसे डॉक्टर के सुझाए जाने पर ही खरीदा जा सकेगा। इसे केवल हल्के लक्षण वाले मरीज ही खरीद सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 3 महीनों की करीब भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी, 6 महीनों में बांटे जाएंगे अपॉइंटमेंट लेटर। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों को खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम योगी ने कहा कि अगले 3 महीनों में सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ले, इसके साथ ही 6 महीनों में नियुक्ति पत्र भी बांट दे। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी ने लोक भवन में अफसरों की बैठक ली। इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों से तत्काल खाली पदों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने कहा कि अब तक 3 लाख भर्तियों इस तरह पारदर्शी तरीके से
अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और अगले 6 महीनों में नियुक्ति पत्र बांटे जाए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।